हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मानवी व्लॉग पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपर डिलीशियस चटनी की रेसिपी, वो भी घर पे बना सकते हैं आप लोग। जिसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे दो टमाटर लिए हैं, इनको चूल्हे पे पका देते हैं और जब तक इसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ ना हो जाए इसे तब तक पकाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे जो टमाटर थे वो काफ़ी स्मूथ हो गए थे, तो हमने यहाँ पे इन्हें प्लेट में निकाल दिया है। प्लेट में निकालने के बाद हमने इसको छील दिया था, के बाद हमने यहाँ पे इसके पीसेस कर दिए हैं और लिया है मिर्च, लहसुन और नमक इसके साथ। फिर उसके बाद मैंने क्या करा है कि वैसे तो हम धनिए की चटनी खाते रहते हैं, बट अब हमारे यहाँ पुदीना लगा हुआ है तो हमने सोचा कि पुदीने की चटनी बनाते हैं आज, क्योंकि पुदीने के अपने अलग ही मज़े हैं। तो मैं पुदीना लेने प्लॉट में चली गई और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पुदीना, लहसुन के कुछ पत्ते थे और एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा था वो, और बाकी सारा जो भी इंग्रेडिएंट आपको दिखाया है वो ऐड करा और यहाँ पे चटनी पीसना स्टार्ट कर दिया। हमने यहाँ पे हमने चटनी जो पीसी है वो सिलबट्टे में ही पीसी है, क्योंकि मिक्सी की चटनी घर में कोई पसंद नहीं करता है। हम लोग मेनली चटनी जो भी बनाते हैं जब भी, तो वो सिलबट्टे में ही पीसते हैं, और मतलब कि लोग अपने कंफर्ट के लिए आजकल मिक्सी का यूज़ कर रहे हैं, बट मिक्सी में उतना टेस्टी नहीं बन पाता है, वो टेस्ट नहीं आता है जो सिलबट्टे में आता है। और गाइस ये देखिए हमारी चटनी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है, बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग भी ट्राई करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।